प्रदेश के आरटीए दफ्तरों में भ्रष्टाचार खत्म करने और उसका कामकाज ऑनलाइन करने के बावजूद आरटीए में भ्रष्टाचार के नए तरीके ईजाद हो गए। क्या हैं वो नए तरीके, इस रिपोर्ट में देखिए। प्रदेश में हरियाणा रोडवेज और सरकार के बीच चल रहा संघर्ष अपनी जगह। परिवहन विभाग के आरटीए दफ्तरों में भी दिए तले अंधेरा जैसे हालात हैं। सचमुच आरटीए यानी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों का कामकाज जिलों में आजकल एडीसी देख रहे हैं। 6 महीने पहले लगातार भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद चीफ मिनिस्टर ने सभी 22 जिलों के सचिवों को हटाकर एडीसी को जिम्मेदारी सौंप दी थी, लेकिन अब भी आरटीए दफ्तरों में ऑनलाइन कामकाज के बाद भी भ्रष्टाचार के नए तरीके काम कर रहे हैं। पहले बात पानीपत के ट्रांसपोर्टर्स की। इतना ओवरलोड चल रहा है ऐसे भी ट्रांसपोर्ट रोडों पे, जितना देख रहे हो बजरी वाले हैं, अंधाधुन चल रहे हैं। पीछे अपना अनिल विज जो भी गाड़ियां पकड़ी थी ओवरलोड की, और पीछे एनएफएल में भी मीटिंग हुई थी जब सीएम साहब आए थे, पेपर में भी आई थी ओवरलोड के लिए मीटिंग करेंगे भी रोकेंगे, लेकिन वो कुछ नहीं रुकिया। ऐसे ही चल रहा सारा भ्रष्टाचार। ये ट्रक यूनियन में गड्ढे इतने ज्यादा है कि यहाँ गाड़ी चलते चलते टूट जाती है। पीछे हमारे मंत्री जी ने टूल टैक्स पे ओवरलोड गाड़ियां पकड़ी थी, एक दिन पकड़ ली, बंद करा दी, जुर्माना करा दिया। उसके बाद फिर इन्हें क्या सिस्टम बना रखा जी, व्हाट्सएप पर सिस्टम बना रखा अपना, भैया ये रास्ता साफ है, यहाँ ये रास्ता साफ है, जाओ। मतलब व्हाट्सएप के जरिए ओवरलोडिंग चलती है, ओवरलोडिंग फुल चलती है। ट्रांसपोर्टर्स का खुला आरोप है कि आरटी के अधिकारी छोटे छोटे वाहनों का ऑनलाइन के नाम पर चालान काट रहे हैं। बड़े वाहन धड़ल्ले से चल रहे हैं, इनमें नागालैंड में रजिस्टर्ड गाड़ियां भी शामिल हैं। एनएल नंबर गाड़ियां, रहने वाला हरियाणा का बंदा नागालैंड से पासिंग हो रही है, क्योंकि वहां से पेपर भेजे जाते, गाड़ी जाती नहीं ना, गाड़ी चेक होती है, पेपर बन के ऑनलाइन आ जाते हैं। सिर्फ सबकी गाड़ी ऐसे पास हो रही जो भी नागालैंड बंदा। वैसे तो कोई कुछ भी, कोई किसी का मुंह थोड़ा, सारी फाइलें यहाँ लेते हैं सारी, और फाइलें लेकर तभी पास करते हैं, जो फेल होती है उसकी फाइल वापस कर देते हैं। वाहनों के ओवरलोडिंग, साइज, पासिंग और परमिट जैसे मामलों में अब भी विभाग पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। हालांकि कामकाज ऑनलाइन है, पर ऑफलाइन कमाई के नए तरीके इजाद किए गए हैं। पानीपत आरटीए का दफ्तर, जो परिवहन मंत्री का अपना गृह जिला है, वहां की हालत देखिए। फैसिलिटी के नाम पे कुछ नहीं है, जबकि कम से कम एक जो डे नाइट चेकिंग होती है उसके लिए एक रेस्ट रूम तो होना ही चाहिए, बैठने का क्या है। यानी परिवहन विभाग प्रदेश की 2.5 करोड़ जनता के लिए परिवहन सेवा देने, लाइसेंसिंग, परमिट और आरटीए के जरिए सरकार का कमाऊ पूत होने के बावजूद दुरुस्त नजर नहीं आता। अब तो वैसे भी प्रोजेक्शन का नहीं, परफॉर्मेंस और डिलीवरी का वक्त है, क्योंकि इस बार चुनाव जीतना पहाड़ पर चढ़ने से कम चुनौतीपूर्ण नहीं है। कैमरामैन धर्मवीर के साथ वीरेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।